इतने करंट न्यूज में हूँ आपके साथ साक्षी। और आज की एक और ताजा खबर के साथ मैं आई हूँ आपके बीच। जिस तरह से लॉकडाउन 4.0 का चौथा चरण शुरू हो चुका है, उस तरह काफी चीजों पे रोक लगाई गई है और काफी चीजों पे रोक हटाई गई है। भारत सरकार द्वारा खाली स्टेडियम में खेल गतिविधियों को शुरू करने की इजाजत दिए जाने के बाद अब आईपीएल 2020 का आयोजन संभव होने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि बीसीसीआई के कोष अध्यक्ष अरुण धूमल ने यह साफ कर दिया है कि क्रिकेट फिर से शुरू होने में सबसे बड़ी बाधा अभी भी यात्रा प्रतिबंध है। ESPN क्रिक इन्फो से बातचीत के दौरान अरुण धूमल ने कहा, क्रिकेट गतिविधि फिर से शुरू करने के लिए यात्रा पर लगी रोक को हटाना जरूरी होगा। लॉकडाउन 4.0 के नियमों के अनुसार 31 मई तक हवाई यात्रा पर पूरी तरह से रोक रहेगी। अपने अनुबंधित खिड़कियों के लिए स्किल आधारित कोई ट्रेनिंग कैंप शुरू करने से पहले बीसीसीआई थोड़ा इंतजार करना होगा। बताया गया है कि क्रिकेटर्स और स्पोर्ट्स स्टाफ की सुरक्षा बीसीसीआई की प्राथमिकता है। हम कोई ऐसा निर्णय जल्दबाजी में आकर नहीं करने वाले हैं जिसके चलते कोरोना वायरस को जड़ से खत्म करने में भारत के प्रयासों को नुकसान पहुंचे। यह पूछे जाने पर कि क्या बीसीसीआई अब आईपीएल 2020 की संभावना को तलाशने में जुट गया है, धूमल ने कहा कि इस पर कोई प्रतिक्रिया देना बहुत जल्दबाजी होगा। ऐसा तभी संभव है जब क्रिकेट कैलेंडर फिर से खुले और दुनिया भर में लगा ट्रेवल बैन खुल सके। धूमल ने श्रीलंका क्रिकेट द्वारा अपने देश में आईपीएल 2020 कराए जाने का प्रस्ताव मिलने की बात भी स्वीकारी। हालांकि उन्होंने साथ ही यह भी कहा है कि भारत सरकार से यात्रा की इजाजत नहीं मिलने तक इस पर विचार करना दूर की बात है। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए करंट न्यूज और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।